हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर को मेडिकल थर्मामीटर भी कहते हैं और ये थर्मामीटर जनरली हम अपने बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। सो दिस इज डिज़ाइन टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये फर्स्ट पॉइंट है। वेयर एज लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर इन द लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज में हमें ज़रूरत पड़ती है सॉल्यूशंस के टेम्परेचर लेने की, इसलिए वहाँ पर यूज़ होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। नाउ दिस इज स्मॉल इन साइज, आपको पता ही आपके घर पे थर्मामीटर है वो बहुत ही छोटा होता है साइज में। वेयर एज जो लेबोरेटरी थर्मामीटर्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज साइज के होते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज रहता है फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, वाइल लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज रहता है फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अब ये देखो, यहाँ पर आपको बहुत ही वाइड रेंज मिल जाती है टेम्परेचर की। तो लेबोरेटरीज में कई बार ऐसे सॉल्यूशंस भी होते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा बॉयल करना पड़ता है, टेम्परेचर चेक करना होता है, तो यहाँ पर वाइड रेंज है, इसीलिए कि आराम से थर्मामीटर ये वाला यूज़ कर सकते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता है कि जब आप टेम्परेचर अपना, आपको फीवर होता है, टेम्परेचर आप अपना नोट करते हो, तो उसके बाद आप क्या करते हो, अपने थर्मामीटर को जोर से आप झटकते हो सो दैट उसमें जो मर्करी होता है वो लोअर डाउन हो जाए। तो स्ट्रॉन्ग जर्क मस्ट बी गिवन टू लोअर डाउन द मर्करी, लेकिन ऐसा लेबोरेटरी थर्मामीटर में हमें नहीं करना पड़ता। नो सच नीड टू गिव अ जर्क, आपको झटका देने की ज़रूरत नहीं है, उसका रीज़न अभी मैं बताती हूँ। ये देखो, क्लिनिकल थर्मामीटर में एक चीज़ होती है किंक, किंक इज़ प्रेजेंट। अब किंक क्या होती है, आप इस तरह से समझ सकते हो, किंक एक तरह की गांठ होती है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है थर्मामीटर, जस्ट यहाँ पर एक किंक बना होता है। किंक मतलब कि एक कर्व जैसा, या फिर आप गांठ बोलते हो इसे ना, इस तरह का नॉट जैसा लगा होता है, इसे किंक बोलते हैं। अब इसका क्या रोल होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जैसे मर्करी ऊपर जाएगा, टेम्परेचर राइज करेगा, तो क्या होता है कि वो एकदम से उसको लो नहीं होने देता, मर्करी के लेवल को लोअर डाउन एकदम से नहीं होने देता ये किंक। वेयर एज लेबोरेटरी थर्मामीटर में नो किंक इज प्रेजेंट, यही रीज़न है जो इसमें आपको जर्क नहीं देना पड़ता, आपको झटकना नहीं पड़ता। सीधे क्या होता है, मर्करी लेवल राइज होगा और वैसे ही नीचे डाउन ईजिली हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा टाइम लेता है इस किंक की वजह से। और ये क्या है, ये दिया है इसमें सो दैट आप एक्यूरेटली अपना टेम्परेचर मेजर करो। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट कंपल्सरी टू बी प्लेस्ड अपराइट, आपको इसे सीधा रखने की ज़रूरत नहीं है वाइल मेजरिंग द टेम्परेचर। आपको पता ही आप घर में कैसे अपना थर्मामीटर यूज़ करते हो टू चेक द टेम्परेचर, लेकिन कभी भी आप लेबोरेटरी थर्मामीटर देखोगे उसमें हमेशा एक प्रिकॉशन आपको ये लेना है कि हमेशा लेबोरेटरी थर्मामीटर को आपने अपराइट रखना है। जैसे नीचे सॉल्यूशन है तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, इसको ऐसे प्लेस करना है, आपने टेढ़ा नहीं प्लेस करना है, सीधा प्लेस करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया, ये प्रिकॉशन भी है इसका। नाउ टेम्परेचर कैन बी नोटेड आफ्टर रिमूवल ऑफ थर्मामीटर, आपको पता है जब आप चेक करते हो, क्या करते हो, मुंह में आप थर्मामीटर लेते हो और कुछ टाइम बाद निकालते हो और देखते हो अपना टेम्परेचर कितना है, तो ये कर सकते हो। ये क्यों कर पाए आप, ड्यू टू दिस किंक, क्योंकि किंक प्रेजेंट है तो एकदम से तो लोअर डाउन नहीं होगा वो मर्करी लेवल, ठीक है, तो आप एक्यूरेटली अपना टेम्परेचर देख सकते हो। वेयर एज जो लेबोरेटरी थर्मामीटर्स होते हैं उनमें क्या होता है, किंक नहीं है, इसीलिए टेम्परेचर इज़ नोटेड वाइल इन कॉन्टैक्ट विद द सब्जेक्ट। जब तक मान लो कि एक बीकर है, वाटर है, उसका टेम्परेचर, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर आप ले रहे हो, उसमें आप अपराइट करके इस तरह से प्लेस करोगे थर्मामीटर को, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ही जब वो उसके साथ कॉन्टैक्ट में है वाटर के साथ, तभी आप उसका टेम्परेचर यहाँ पर रीडिंग नोट डाउन करोगे। जैसे आपने बाहर निकाला, क्या होगा, क्योंकि किंक नहीं है उसमें, वैसे ही क्या होगा, नीचे डाउन चले जाएगा मर्करी, तो आप रीडिंग नहीं ले पाएंगे। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दोनों में। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप क्लिनिकल थर्मामीटर को कभी भी लेबोरेटरी में नहीं यूज़ करते बॉइलिंग वाटर के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर बॉयल हो रहा है, उसका आपने टेम्परेचर नोट करना है, उसके लिए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, ना ही आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ कर सकते। तो ये दोनों आपस में आप इनको, इनके एक्शंस को इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो ये था डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर।
ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू।